ओके सर, हेलो एंड वेलकम। कैसे तुम्हारा भाई फिर से आ चुके हैं और बेहतरीन वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले टेडी एसएमपी की सीजन 2 एपिसोड 3 के ऊपर। तो अगर आप में से काफ़ी सारे बंदे इस वीडियो को मतलब टेडी एसएमपी की वीडियो नहीं देखे तो जाके पहले वो वीडियो देख लेना, क्योंकि 55 के लाइक्स एक गेम है। तो उस लाइक्स को आप लोग जैसे कॉम्प्लीट करके उसके बाद आप लोग को नया एपिसोड देखने को मिलेगा। फिलहाल तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टेडी एसएमपी की सीजन 2 एपिसोड 3 के कुछ डाउट्स के ऊपर। तो मैंने अपने कम्युनिटी सेशन में कम्युनिटी पोस्ट करके पूछा था एनी डाउट्स अबाउट टेडी एसएमपी, तो आप में से काफ़ी सारे बंदे क्वेश्चन पूछे थे। तो उसमें से ही आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो एपिसोड 3 के लास्ट सीन के अंदर हम लोगों का डेथ लॉर्ड पकड़ जाता है, फेक हीरोइन फेक एलेक्सा पकड़ लेता है और उसको एक अनदर पोर्टल के अंदर भेज देता है। तो आप लोगों के दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आया होगा कि वो पोर्टल कहाँ जाता है और हम लोगों को डेथ लॉर्ड को कब देखने को मिलेगा वापस। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, आप लोग जानते हो ओरिजिनल पांडा ओरिजिनल ऋषभ ओरिजिनल एंटिटी को हम लोगों को छुड़ाने के लिए डेथ लॉर्ड का सहारा चाहिए। तो आप लोग जानते हो कि डेथ लॉर्ड जो इसको ऑलमोस्ट छुड़ा लेते हैं पोर्टल के थ्रू। तो आप जानते हो डेथ लॉर्ड अगर पोर्टल नहीं क्रिएट करेगा तो हम लोगों का जो है ओरिजिनल ऋषभ भैया पांडा भैया जो भी है टेरी भैया का फ्रेंड्स वो दोनों वो चारों अटके जाएंगे। तो आप लोगों के दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आया होगा कि कहाँ मतलब कैसे वो निकल पाएंगे वो पोर्टल के थ्रू। और तीसरे वाला जो क्वेश्चन है वो है कि अगर फेक हीरोइन और डेथ लॉर्ड के अंदर फाइट हो तो कौन जीतने वाला है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मौसम होने वाला है। तो इफ़ यू गाइज एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो लीव अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल के अंदर एसएमपी रिलेटेड माइनक्राफ्ट के अंदर इंडियन एसएमपी रिलेटेड जो कुछ भी चलता है उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाता हूँ। जैसे हिमलैंड्स हो गया, टेटी एसएमपी हो गया, हिमलैंड्स बोलने मेरा एक चीज़ याद आ गया। तो भाई कल मैं अपने चैनल के अंदर हिमलैंड्स के ऊपर एक वीडियो लेकर आया था थ्योरी, तो वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना या फिर आप लोग चैनल भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ओके सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग के अंदर आया है वो है कि लास्ट सीन के अंदर एपिसोड के अंदर आप लोग देखे होंगे फेक हीरोइन और फेक एलेक्सा मिलकर हम लोगों का डेथ लॉर्ड को एक अनदर पोर्टल के अंदर भेज देते हैं, तो ये पोर्टल कहाँ जाता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये पोर्टल हो सकता है दूसरे डायमेंशन दूसरे माइनक्राफ्ट के जो वर्ल्ड होते हैं आप लोग जानते हो, जैसे कि फेक हीरोइन और फेक एलेक्सा मिलकर ओरिजिनल ऋषभ पांडा को जैसे छोड़ा था दूसरे डायमेंशन के दूसरे प्लैनेट के अंदर माइनक्राफ्ट के। तो ठीक वैसा ही चीज़ यहाँ पर डेथ लॉर्ड के साथ होने वाला है मुझे जहाँ तक लगता है, ये मेरा थ्योरी है। ये हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। डेथ लॉर्ड को दूसरे डायमेंशन के अंदर भेज दिया है, तो अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई डेथ लॉर्ड कैसे वापस आएगा। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ये जो फेक हीरोइन है इससे भी ज़्यादा पावरफुल हम लोगों का डेथ लॉर्ड है, तो वो हो सकता है थोड़ा बहुत पोर्टल वगैरह बनाए या फिर कुछ करे और उसके बाद हम लोगों को डेथ लॉर्ड को फिर से देखने को मिल जाए ओरिजिनल भैया के पास। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। तो अब मैं आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। जो तो ये क्वेश्चन पूछा है शिवम कुमार भैया ने, तो सबसे पहले थैंक यू। और ये पूछा है ब्रो नाउ डेथ लॉर्ड इज ट्रैप्ड देन हु मेक पोर्टल फॉर टेरी फ्रेंड्स फॉर कमिंग डेथ वर्ल्ड एंड हीरोइन हैव लॉस्ट देयर पावर्स देन हु विल सेव देम दिस इज माय बिगेस्ट क्वेश्चन प्लीज टेक माय क्वेश्चन। तो भाई आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये आंसर देने वाला हूँ। तो देखो भाई आप लोग जानते हो डेथ लॉर्ड ट्रैप हो चुका है लास्ट एपिसोड के अंदर, जो कि मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया, और हीरोइन के पास भी पावर नहीं है तो चारों का कहाँ से आएगा इस वर्ल्ड के अंदर वापस। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ऋषभ भैया का भी एक चैनल है, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बता दिया ऋषभ भैया का भी एक चैनल है, उस चैनल के अंदर कल एक वीडियो आया था, उस वीडियो को भी मैंने देख लिया। तो उस वीडियो के अंदर आप लोग देखोगे कि वहाँ पर जो है और एक दूसरा एंटिटी आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो आप लोग नहीं देखे तो आप लोग जाके चेकआउट कर लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा। तो उस वीडियो के देखने के बाद मुझे ये चीज़ आया कि भाई देखो भाई वो चारों मिलकर कुछ ऐसा पोर्टल बना ले उस जो है एंटिटी के साथ मिलकर या फिर डील करके, तो उस पोर्टल के अंदर से हम लोगों का जो है चारों फ्रेंड्स है टेरी भैया का वो मिल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि डेथ लॉर्ड जो अनदर पोर्टल के अंदर चला गया वहाँ से जो है कुछ ऐसे चीज़ करे या फिर कुछ ऐसे पोर्टल कर दे ताकि वो चार फ्रेंड जो कि टेटी भैया का फ्रेंड्स है वो चार फ्रेंड्स वापस आ पाए।
तो ये कुछ दोनों थ्योरी हो सकता है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो शिवम कुमार भैया, क्योंकि जो टेरी भैया यहाँ पर अभी जिंदा है, तो टेरी भैया कुछ ना कुछ ऐसे जुगाड़ कर ही लेंगे उस चारों को चुराने के लिए, जो कि हम लोगों को अगले वाले एपिसोड के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। हाँ भाई, अगले वाले एपिसोड के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को लाइक गेम्स कंप्लीट करना है, जिसका 55K लाइक्स है, तो आप लोग जाके कंप्लीट कर देना। और मेरा इस वीडियो का लाइक एम है, आज लाइक एम रख देते हैं, जो कि 100 लाइक्स, तो आप लोग 100 लाइक्स कंप्लीट कर देना। और जिसने भी अभी तक यहाँ तक वीडियो देख लिया, इसका मतलब आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो के नीचे प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 20K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है इस ईयर को ख़त्म होने से पहले, प्लीज़ कर लेना आप लोग सब्सक्राइब। ओके, सो अब लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर बढ़ता है। तो वो क्वेश्चन है, अगर फेक हीरोइन और डेडलॉट दोनों के अंदर फाइट होता है 1v1, तो कौन जीतने वाला है? तो मैं आप लोगों का एक चीज़ का आंसर भी दे देता हूँ। तो भाई देखो, यहाँ पर डेडलॉट जो है जीत जाएगा, क्योंकि फेक हीरोइन के पास उतना ज़्यादा पावर नहीं है कि वो डेडलॉट के साथ फाइट कर पाए। क्योंकि आप लोग देखे हो कि सीजन 2 के एपिसोड 2 के अंदर जैसे ही एलेक्सा को पकड़ लेता है हम लोगों का टेडी भैया और डेडलॉट मिलकर, तो तभी हम लोगों का फेक हीरोइन चले आता है, वो डील कर लेता है। और अगर डील कर लेता है, इसका मतलब ये है कि भाई वो चाहते तो फाइट कर सकते, मगर वो जानते हैं ये चीज़, अगर डेडलॉट के साथ वो फाइट करने चले जाएगा तो वो हार जाएगा बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर एलेक्सा भी पूरा एकदम बेकार है, क्योंकि उसके सामने एलेक्सा भी कुछ नहीं है और फेक हीरोइन भी कुछ भी नहीं है। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि अगर फेक हीरोइन और डेडलॉट का 1v1 फाइट होता है, जो कि होने ही वाला है इस सीजन के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्द, तो वो दोनों के फाइट होने के चांसेस हैं कि आप लोगों का डेडलॉट जीत पाए। तो ये सारे तीन क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों को दे दिया, जिससे आप लोगों को होपफुली आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आप लोगों के दिमाग के अंदर जो भी डाउट्स चल रहा है, थोड़ा सा भी अगर घटा है तो मैं समझूंगा मेरा ये वीडियो बनाना एकदम काम का हुआ, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर यही कुछ था। अगर आप लोगों को कुछ भी और भी थ्योरी है या फिर और भी क्वेश्चन है या फिर कुछ भी पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन एकदम खुला छोड़ दिया है मैंने, तो उसमें जाके आप लोग जो चाहे वो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो मुझसे। तो आज के लिए इतना, मिलते वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।